हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्टल मैनुअल 5। पिछली वीडियो में हम 1 से 11 तक डेफिनेशंस को पढ़ चुके हैं और आज देखेंगे डेफिनेशन नंबर 12 से 23 तक। बारहवीं डेफिनेशन है RLO की, जिसका पूरा नाम है रिटर्न लेटर ऑफिस। अ रिटर्न लेटर ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द पोस्टल सर्किल एंड डील्स विद अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज आर्टिकल एंड आर्टिकल्स विदाउट एड्रेस और विद अनडेसिफरेबल और इनकम्प्लीट एड्रेस। यानी RLO का कहाँ स्थित होती है, वो स्थित होती है पोस्टल सर्किल का जो हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय होता है, वहाँ पर एक RLO रिटर्न लेटर ऑफिस स्थित होती है। और उसका काम क्या है कि जो अनक्लेम्ड है या जो रिफ्यूज आर्टिकल है, जो आर्टिकल लौटाए जाते हैं या जो विदाउट एड्रेस आर्टिकल्स होते हैं या जो इनकम्प्लीट एड्रेस वाले जो भी आर्टिकल्स हैं, जो डाक वस्तुएँ हैं, उनको पोस्टमैन वगैरह लौटाते हैं या GDS लौटाते हैं, उनके बारे में डील करना, उनको हैंडल करने का काम RLO ऑफिस का होता है। अगली डेफिनेशन है 12A ट्रांसक्रिप्शन सेंटर की। अ ट्रांसक्रिप्शन सेंटर इज अ सेल एस्टेब्लिश इन अ सॉर्टिंग ऑफिस सिचुएटेड नॉर्मली एट द हेड क्वार्टर्स ऑफ द सर्किल्स और एट एनी अदर कन्वीनियंट सॉर्टिंग ऑफिस इन द सर्किल। जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर्स होते हैं वो मुख्यतः सॉर्टिंग ऑफिस में स्थित होते हैं या जो हेडक्वार्टर्स हैं सर्किल ऑफिस के, वहाँ पर स्थित होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन सेंटर ट्रांसक्राइब्स इनटू इंग्लिश एंड एड्रेस इज रिटन इन रीजनल लैंग्वेज ऑन पोस्टल आर्टिकल पोस्टेड इन पोस्ट ऑन मेल ऑफिस। ट्रांसक्रिप्शन सेंटर का काम है कि जो लोग एड्रेस को रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा में लिखते हैं, जो भी डाक वगैरह है उन पर एड्रेस वगैरह क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा होता है, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम ट्रांसक्रिप्शन सेंटर का होता है। और ट्रांसक्रिप्शन सेंटर सामान्यतः सॉर्टिंग ऑफिस में होते हैं या जो सर्किल्स के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, मुख्यालय होते हैं, वहाँ पर स्थित होते हैं। अगली डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 13 नंबर की परिभाषा। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट बैग फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज होते हैं जहाँ पर डाक वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ट्रांजिट बैग्स फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस के बारे में जानते हैं। अ पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन विच एक्सचेंज मेल विद ऑफिसेस इन फॉरेन कंट्रीज इज नोन एज ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज वो पोस्ट ऑफिस होती है या वो सॉर्टिंग ऑफिस होती हैं या वो भाग होते हैं जहाँ पर मेल्स का एक्सचेंज होता है विद ऑफिस इन फॉरेन कंट्रीज, यानी जो विदेश में स्थित जो भी ऑफिस हैं उनके बीच में जो मेल्स का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, उसे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। इट इज़ रेफर टू एज टू डिस्पैचिंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन रेस्पेक्ट ऑफ मेल्स। इट मेक्स अप एंड एड्रेसेस टू एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन अनदर कंट्री while it is called the receiving office of exchange in respect of mail address to it by an office of exchange from another country। यानी इसमें कहा गया है कि जो dispatching offices हैं exchange in respect to the mails, mail के संदर्भ में जो dispatching office हैं जहाँ से डाक exchange dispatch की जाती है, जहाँ से डाक छोड़ी जाती है और जहाँ पर डाक रिसीव की जाती है, उसे रिसीविंग ऑफिस कहा जाता है। द टर्म आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज एंड इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज आर आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब देम। यानी जिन ऑफिसों से डाक बाहर की तरफ जाती है उन्हें आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है और जिन ऑफिस के लिए डाक पहुँचाई जाती है उन्हें इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है। Even offices functioning as both inward and outward offices of exchange may function in one of the capacities only for certain countries।
अगर कोई ऑफिस जो दोनों कामों को करती है, इनबाउंड और आउटबाउंड ऑफिस सेक्शंस का काम करती है सर्टेन कंट्रीज में, वो एक ही ऑफिस दोनों कामों को कर सकती है, एक्शंस का, इनवर्ड एक्शंस का काम कर सकती है और आउटवर्ड का भी काम कर सकती है। अगली डेफिनेशन है 13 का बी पार्ट है, एन ऑफिस ऑफ एक्शंस ऑन द बॉर्डर विच ओनली रिसीव्स एंड डिस्पैचेस क्लोज्ड बैग एड्रेस टू और रिसीव्ड फ्रॉम अदर ऑफिस ऑफ एक्शंस इन इंडिया इज नोन एज ऑफिस ऑफ एक्शंस ऑफ ट्रांजिट। यानी ऑफिस ऑफ एक्शंस ऑफ ट्रांजिट किसे कहा जाता है कि जो जिन ऑफिसों में सिर्फ और सिर्फ जो रिसीव और डिस्पैच क्लोज बैग होते हैं उनको ऑफिस ऑफ एक्शंस ऑफ ट्रांजिट कहा जाता है। सच एन ऑफिस विल नॉट क्लोज बैग फॉर फॉरेन कंट्रीज और ओपन इनवर्ड फॉरेन बैग्स। इट्स फंक्शन इज ओनली टू एक्सचेंज मेल विद द कैरियर और विद द ऑफिशियल्स ऑफ अ फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो ऑफिस ऑफ एक्शंस ऑफ ट्रांजिट्स ऑफिस होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ जो क्लोज बैग होते हैं उनका आदान प्रदान हो सकता है। ये जो ऑफिस ऑफ एक्शंस ऑफ ट्रांजिट होती हैं वो इन क्लोज बैग को खोल नहीं सकती हैं, ना ही इनवर्ड फॉरेन बैग्स को खोल सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज का काम कर सकती हैं, ये या डाक कैरियर है या जो भी माध्यम है उनके माध्यम से ये एक्सचेंज कर सकते हैं, ये यहाँ बैग को खोल नहीं सकते हैं। सी पार्ट है, अ फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज एन ऑफिस ऑफ एक्शंस इन विच द वर्क ऑफ असेसमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन फॉरेन मेल्स इज आल्सो कैरीड आउट। फॉरेन पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं कि एक ऐसी ऑफिस जहाँ पर जो फॉरेन मेल्स होती हैं उनके एक्शन के साथ साथ जो कस्टम ड्यूटी चार्जेस लगते हैं उनका भी काम करते हैं, उन्हें फॉरेन पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। ऑल्दो मेल्स मे बी इंटरसेप्टेड एंड आर्टिकल्स नॉट सस्पेक्टेड टू कंटेन एनी थिंग ड्यूटीबल रिलीज इन मैनी एक्शन ऑफिस द वर्क ऑफ द एक्चुअल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी एंड ओपनिंग ऑफ आर्टिकल्स फॉर दिस पर्पज वेयर नेसेसरी इज डन ओनली इन फॉरेन पोस्ट ऑफिस। यानी फॉरेन पोस्ट ऑफिस का और क्या काम है, जो मेल्स हैं वो इंटरसेप्टेड कर सकते हैं, यानी आर्टिकल नॉट सस्पेंडेड टू कंटेन एनी थिंग ड्यूटीबल रिलीज, इंटरसेप्टेड का यह मतलब है। इन मैनी एक्शंस ऑफिस द वर्क ऑफ एक्चुअल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी, एक्चुअल ऑफ असेसमेंट ऑफ ड्यूटी का मतलब है ओपनिंग ऑफ आर्टिकल फॉर दिस पर्पस वेयर नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो ही उन आर्टिकल्स को खोलना है। ये काम भी फॉरेन पोस्ट ऑफिस का होता है। आर्टिकल रिसीव्ड इन वन ऑफिस ऑफ एक्शंस एंड सस्पेक्टेड टू कंटेन ड्यूटीबल गुड्स फॉर डिलीवरी फ्रॉम एन ऑफिस नियर अनदर ऑफिस ऑफ एक्शंस आर डायरेक्टेड टू द लेटर फॉर एक्चुअल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। और क्या काम है फॉरेन पोस्ट ऑफिस के, कि वो आर्टिकल्स को रिसीव करते हैं एक ऑफिस से और जो भी ड्यूटीबल गुड्स हैं उनको सस्पेक्ट करते हैं फॉर डिलीवरी फ्रॉम ऑफिस नियरर अनदर ऑफिस ऑफ एक्शंस आर डायरेक्टेड टू द लेटर फॉर एक्चुअल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ द ड्यूटी। यानी जो पास की जो भी ऑफिस हैं वहाँ से इन चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। ये डी नंबर की डेफिनेशन को देखते हैं, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या है, जो विदेशों की जो पोस्ट ऑफिस हैं जिसे सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस के नाम से कहते हैं। इट इज़ एन ऑफिस विच इज़ नॉट एक्शन ऑफिस which does not close bags for countries and which does not receive from foreign country bags address it। यानी जो सब फॉरन पोस्ट ऑफिस है वो ऐसी पोस्ट ऑफिस है जहाँ एक्शन ऑफिस का काम नहीं किया जाता है, यानी क्लोज बैग्स को, क्लोज बैग्स जहाँ से किसी कंट्री के लिए क्लोज बैग भी नहीं किए जाते और वहाँ से आए हुए क्लोज बैग को एड्रेस भी रिसीव भी नहीं किया जाता है। बट इन विच द वर्क ऑफ कस्टम्स एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट एंड अकाउंटिंग ऑफ कस्टम्स डेली इज कैरिड आउट। तो इनमें क्या काम होता है, इनमें काम होता है कि जो कस्टम्स एग्जामिनेशन हैं, असेसमेंट है और अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी है वो काम किए जाते हैं, यानी जो कस्टम से रिलेटेड काम है वो इनमें किए जाते हैं। सच सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस आर ओपन मेनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सेंडर्स एंड एड्रेसेस हु मे बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट
एटसेट्रा फॉर द रिलीज और डिस्पैच ऑफ देयर फॉरन आर्टिकल्स। तो इन सब ऑफिस को खोलने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी, इनका काम क्या है मेनली, इनका काम है कि जो जो लोग भेजते हैं कोई जो डॉक्यूमेंट है प्रेजेंट कोई डॉक्यूमेंट है उसको भेजते हैं या फिर रिसीव करते हैं फॉर द रिलीज और डिस्पैच ऑफ देयर फॉरन आर्टिकल्स। जो जो प्रेजेंट डॉक्यूमेंट है जो कि फॉरेन आर्टिकल से रिलेटेड है उनको डिस्पैच करने का या रिलीज़ करने के लिए सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस का काम है या इसके लिए वो जिम्मेदार है। 14वीं नंबर की डेफिनेशन है ट्रांजिट सेक्शंस की। ट्रांजिट सेक्शंस आर ट्रैवलिंग ऑफिस ऑफ द रेलवे मेल सर्विस वर्किंग ऑन रेलवे और रिवर स्टीमर लाइन्स। यानी जो ट्रांजिट सेक्शंस हैं उनका काम है कि जो ट्रैवलिंग ऑफिसेज हैं RMS की जो कि रेलवे या जो नदी के स्टीमर्स होते हैं उनके आसपास में काम करते हैं उन्हें ट्रांजिट सेक्शंस कहा जाता है। द ऑफिस इन चार्ज ऑफ अ सेट ऑफ ए ट्रांजिट सेक्शन इज कॉल्ड अ मेल गार्ड और मेल एजेंट। यानी जो जिनके प्रभारी अधिकारी होते हैं ट्रांजिशन सेक्शंस के उनको मेल गार्ड या मेल एजेंट कहा जाता है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, नोट लगाने वाली बात क्या है, सेक्शंस आर नंबर्ड सीरियली एंड डिजाइन बाई द नेम ऑफ द RMS डिवीजन फॉलोड बाई द सीरियल नंबर। यानी जो सेक्शंस हैं उनको सीरियल नंबर के हिसाब से और RMS के अकॉर्डिंग उनको सीरियल नंबर किया गया, उनको क्रम संख्या दी हुई है। 15वीं डेफिनेशन है मेल ऑफिस की। मेल ऑफिस आर स्टेशनरी ऑफिस ऑफ द RMS एंड आर टू काइंड सॉर्टिंग मेल ऑफिस एंड ट्रांजिट मेल ऑफिस। मेल ऑफिस RMS की ही ब्रांचेज है या उनकी सर्विसेज को डील करते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, सॉर्टिंग मेल ऑफिस या ट्रांजिट मेल ऑफिस। द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट वाइल द फॉर्मर डील विद द कंटेंट्स ऑफ द मेल बैग्स एड्रेस टू देम एज वेल विद क्लोज फॉरवर्ड बैग्स द लेटर डील ओनली विद द क्लोज बैग। यानी सॉर्टिंग मेल ऑफिस और ट्रांजिट मेल ऑफिस का जो डिफरेंस है उसको बताया गया है कि सॉर्टिंग मेल ऑफिस का क्या काम है। सॉर्टिंग मेल ऑफिस का काम है कि जो मेल्स हैं मेल बैग्स हैं जो यहाँ के लिए भेजे गए हैं या जो बैग्स हैं जो यहाँ के लिए तो आए हुए हैं, जैसे सॉर्टिंग ऑफिस में के लिए कोई बैग डिलीवर्ड होने के लिए यहाँ के एड्रेस से आया हुआ है उसको भी यही डील करेंगे, और अगर कोई बैग सॉर्टिंग ऑफिस से होता हुआ किसी अन्य ऑफिस के लिए जाता है जैसे फॉरवर्ड बैग कहते हैं उनको भी ये डील करते हैं। लेकिन जो ट्रांजिट मेल ऑफिस का काम क्या है, उनका काम है सिर्फ और सिर्फ क्लोज बैग को ही डील करना, वो उनके लिए कोई बैग मेल बैग एड्रेस नहीं किया जाता है, उनके लिए वहाँ डिलीवर करने के लिए कोई बैग नहीं भेजा जाता है। द ऑफिस इन चार्ज ऑफ अ सेट ऑफ अ सॉर्टिंग मेल ऑफिस इज डेजिग्नेटेड अ हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड द ऑफिस इन चार्ज ऑफ अ सेट ऑफ TMO ट्रांजिट मेल ऑफिस अ मेल एजेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्टेटस ऑफ द इनकमबेंट। यानी जो सॉर्टिंग मेल ऑफिस के हेड है उनको हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट कहा जाता है, और जो TMO ट्रांजिट मेल ऑफिस के इंचार्ज अधिकारी होते हैं वो मेल एजेंट होते हैं। अगली डेफिनेशन है 15A कॉरपोरेट मेल ऑफिस और बल्क मेल सेंटर CMO या BMO के बारे में जानेंगे। कॉन्सिक्वेंट ऑन द इंक्रीज ऑफ द कॉरपोरेट मेल RMS यूनिट विजुलाइजेशन कॉरपोरेट मेल ऑफिस मेल बैंक बल्क मेल सेंटर्स आर ओपन इन बिग सिटीज। यानी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं मेगा सिटीज़ हैं महानगर हैं उनमें कॉरपोरेट मेल या RMS या कॉरपोरेट मेल ऑफिस या BMC बल्क मेल सेंटर्स को खोला गया है। ईच बल्क मेलर दैट इज़ अ फर्म विच इज़ कैपेबल ऑफ पोस्टिंग ऑफ 500 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स और 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल एट अ टाइम इज आइडेंटिफाइड अ बल्क मेलर। बल्क मेलर किसे कहते हैं, बल्क मीन्स जो इकट्ठा मेल करते हैं उनको बोला जाता है बल्क। तो जो बल्क मेलर होते हैं जो बल्क में डाक भेजते हैं वो एक फर्म होती है जो कम से कम 5,000 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल यानी गैर पंजीकृत डाक वस्तुओं को भेजते हैं या पोस्ट करते हैं और 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को मेल करते हैं या पोस्ट करते हैं, उन्हें बल्क मेलर कहा जाता है।
These bulk mailers are supplied with customized sorting list. ये एक जो sorting list होती है उसके साथ में supplied करते हैं, supplied with customized sorting list. Bundles are prepared by the bulk mailers as per the customized sorting list. The details of bundle prepared are entered in one invoice which is prepared in duplicate and brought to bulk mail center. यानी जितने भी bulk mailer हैं वो अपने बैगों को प्रिपेयर करते हैं, उनका बंडल बैग करते हैं और एक ही उसमें इनवॉइस में इन सभी को प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में जो डुप्लीकेट है उनको बल्क मेल सेंटर में पहुंचाते हैं. द ऑफिस इन चार्ज ऑफ अ सेंटर वेरीफाइज बंडल्स रिसीव्ड फ्रॉम ईच बल्क मेलर्स एंड रेफरेंस टू इनवॉइस रिसीव्ड एंड ग्रुप देम डेस्टिनेशन बाइज फॉर फर्दर डिस्पैच. यानी जो बल्क मेल सेंटर के जो इंचार्ज होते हैं उनका काम क्या है कि जो भी बल्क मेलर्स हैं, जितने भी उस सिटी में बल्क मेलर्स हैं उनके यहाँ से इनवॉइस लेना, उनके बंडल बैग्स को लेना और उसके बाद में जहाँ भी इन बैगों को पहुँचाना है वो वहाँ के लिए फर्दर इसको डिस्पैच करते हैं. अगली डेफिनेशन है 15B, मास मेलिंग सेंटर MMC. इन ऑर्डर टू हेल्प द कस्टमर्स हु आर रेगुलरली पोस्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्टार्टेड असिस्टेंस सेंटर्स विच आर कॉल्ड मास मेलिंग सेंटर्स इन बिगर सिटीज. यानी बड़ी बड़ी सिटीज़ों में जो लोग रेगुलरली पोस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा बल्क में पोस्ट करते हैं, डाक वस्तुओं को भेजते हैं, उनको असिस्टेंट देने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए पोस्ट ऑफिस ने मास मेलिंग सेंटर खोले हुए हैं जिन्हें MMC कहते हैं. द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर इज टू रिसीव द लूज लेटर सर्कुलर्स एंड ब्लैंक एनवलप सेपरेटली फ्रॉम द कस्टमर्स एंड हेल्प देम इन राइटिंग द एड्रेस एंड क्लोज द सर्कुलर लेटर्स इन साइड द एनवलप एंड इफ नेसेसरी अपेक्सिंग द पोस्टेज स्टैम्प्स फ्रैंकिंग द मेल. जो MMC है उनका काम क्या है कि जो भी कस्टमर है जो बल्क में डाकों को भेजते हैं उनसे लिफाफों को लेना, उनकी डाकों को लेना, उसके बाद में लिफाफे में डाक को डालना, फिर जो डाक वस्तु है उस पर एड्रेस को लिखना जो कि राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर लिखा जाता है, उस एड्रेस को लिखने के बाद में पोस्टेज फिर उस पर स्टैम्प्स वगैरह लगा के रेडी करना या फ्रैंकिंग ऑफ मेल करना. फॉर दिस पर्पस मास मेलिंग सेंटर मे एंगेज द असिस्टेंट टू कॉलेज स्टूडेंट्स हाउस वाइफ पेंशनर्स एट्सेट्रा ऑन पेमेंट ऑफ सम अमाउंट ऑन ऑर्डली बेसिस. यानी MMC है वो इस काम के लिए या तो कॉलेज स्टूडेंट को ले सकते हैं या जो गृहणियाँ हैं हाउस वाइफ्स हैं उनको ले सकते हैं या जो पेंशनर हैं जो पेंशन ले रहे हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं उन लोगों की हेल्प ले सकते हैं और उनको काम के घंटे के हिसाब से, 2 घंटे के हिसाब से, 3 घंटे या जितना भी काम है उस हिसाब से उनकी पेमेंट बेसिस पर उनको लगा सकते हैं. टू मीट दिस एक्सपेंडिचर द कस्टमर्स विल हैव टू पे एक्स्ट्रा इन एडिशन टू द पोस्टेज एज डिसाइड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो इस काम के लिए जो MMC सेंटर है जो काम करते हैं इस काम को करते हैं उसके लिए जो फंड है जो पैसा है वो कस्टमर ही पे करते हैं. जो एक्स्ट्रा पे है जो पोस्टेज वगैरह के चार्ज को हटा के, जैसे कि कोई लोग काम करते हैं जो इस काम को करते हैं पोस्टेज वगैरह को करते हैं या एड्रेस वगैरह को लिखते हैं या लिफाफे वगैरह पर स्टाम्प लगाते हैं या फ्रैंकिंग करते हैं उनके लिए जो पेमेंट है वो कस्टमर्स से ही ली जाती है. टाइम टू टाइम इसमें चेंज भी होता रहता है. अगली डेफिनेशन है 15C, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस PSO के बारे में. दिस सॉर्टिंग ऑफिस इज सिचुएटेड ऑन द प्रीमाइजेस ऑफ द न्यूज़पेपर. ये न्यूज़पेपरों के लिए इसको बनाया गया है, ये इनका काम ही सिर्फ न्यूज़पेपर से रिलेटेड होता है. एंटर एक्सपेंडिचर towards basis for the establishment is borne by the newspaper publisher apart from providing required stationery for booking the sorting office. तो जो प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस है उनका जो भी खर्चा है, जो भी उनका एक्सपेंडिचर है वो न्यूज़पेपर के जो पब्लिशर्स होते हैं वही प्रोवाइड करते हैं. दिस ऑफिस वर्क्स टू सूट द डिस्पैच टाइमिंग ऑफ द न्यूज़पेपर एंड क्लोज डायरेक्ट लेटर्स बैक्स टू द पोस्ट ऑफिस सॉर्टिंग ऑफिस कंसर्न विच आर डिस्पैच्ड थ्रू लोकल रेगुलर सॉर्टिंग ऑफिस. यानी इनका जो काम है वो न्यूज़पेपर है या क्लोज करना है जो बैग वगैरह को है वो सारे काम ये लोग करते हैं. अगली डेफिनेशन है रिकॉर्ड ऑफिस की, डेफिनेशन नंबर 16. अ रिकॉर्ड ऑफिस इज अ स्टेशनरी ऑफिस ऑफ द रेलवे मेल सर्विस वेयर द वर्क पेपर्स ऑफ द सेंक्शन अटैच टू
It are prepared, checked and placed on records and by which all forms make and stationery required for the use of those sections are supplied. The office in charge of the record officer is designated as a record officer. जो record office है वो RMS में ही काम करते हैं और उनका काम है जो वहाँ पर जो भी record वगैरह बनाया जाता है या जो फॉर्म्स हैं और या बैग्स हैं या स्टेशनरी से संबंधित जो भी काम है वहाँ पर सप्लाई वगैरह करना इनका काम है और जो रिकॉर्ड ऑफिस का इंचार्ज होता है उन्हें रिकॉर्ड ऑफिसर कहा जाता है। 17वीं डेफिनेशन है हेड रिकॉर्ड ऑफिस की। इट इज अ स्टेशनरी ऑफिस सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ RMS डिवीजन विच इन एडिशन टू द ऑर्डिनरी ड्यूटीज ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफिस इज इंटरेस्टेड विद द प्रिपरेशन सैलरी एंड कंटिंगमेंट bills for the entire division and the accounts connected therewith is termed a head record office. तो जो head record office है उनका काम क्या है कि जितने भी जो काम है जो record office में होते हैं उनको तो करते ही करते हैं, उनके अलावा salary का preparation है और जो bills वगैरह का payment है entire division में जो पूरे division है RMS division है वहाँ पर ये स्थित होती है, उन सभी कामों को रिकॉर्ड ऑफिस के अलावा इन सभी कामों को करने का जो जिम्मेदारी है वो है हेड रिकॉर्ड ऑफिस की। और जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस के जो इंचार्ज ऑफिसर होते हैं वो होते हैं हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। 18वीं डेफिनेशन है सब रिकॉर्ड ऑफिस। सब रिकॉर्ड ऑफिस इज अ स्टेशनरी ऑफिस ऑफ द रेलवे मेल सर्विस सिचुएटेड एट द सेम स्टेशन एज अ मेल ऑफिस वेयर द वर्क पेपर्स ऑफ द मेल ऑफिस एज वेल एज सेंक्शंस इफ एनी अटैच टू द सब रिकॉर्ड ऑफिस आर प्रपेयर्ड चेक एंड प्लेस ऑन द रिकॉर्ड एंड बाई विच ऑल फॉर्म्स बैग्स एंड स्टेशनरी रिक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ द मेल ऑफिस एंड सेंक्शंस आर सप्लाइड। यानी जो सब ऑफिस सब रिकॉर्ड ऑफिस है उनका वो मेनली वहीं सिचुएटेड होती हैं RMS की जो ब्रांच है जहाँ पर मेल ऑफिस होती है वहीं उसी स्टेशन पर ही ये सब रिकॉर्ड ऑफिस है वहीं सिचुएटेड होती है। इनका काम क्या है, इनका काम है कि जो भी ऑफिस सब रिकॉर्ड ऑफिस है वहाँ उनको प्रिपेयर करना, चेक करना और उनको प्लेस करना बाई विच ऑल फॉर्म्स बैग्स एंड स्टेशनरी रिक्वायर्ड। द ऑफिस इन चार्ज ऑफ द सब रिकॉर्ड ऑफिस इज डेजिग्नेटेड एज सब रिकॉर्ड ऑफिसर। जो सब रिकॉर्ड ऑफिस का जो इंचार्ज ऑफिसर होता है उसे सब रिकॉर्ड ऑफिसर कहा जाता है। अब सब रिकॉर्ड ऑफिसर में आल्सो वर्क एज हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और सब सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल एजेंट। यानी जो सब रिकॉर्ड ऑफिसर है वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट सब सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल एजेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। अगली डेफिनेशन है बैग ऑफिस की। फॉर अवॉइडिंग अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ बैग्स द न्यू सिस्टम ऑफ बैग अकाउंटिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस क्लासिफाइंग PO पोस्ट ऑफिस या RMS ऑफिस इनटू बैग ऑफिस द ऑफिस हैंडलिंग इट एज अंडर। यानी जो बैग ऑफिस है उसके लिए उसकी क्या ज़रूरत है। फॉर अवॉइडिंग अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ बैग्स यानी जो बिना काम का जो मूवमेंट होते हैं बैग्स के उसको अवॉइड करना, उसको उससे बचने के लिए बैग ऑफिस का गठन किया गया, इनकी शुरुआत की गई। द न्यू सिस्टम ऑफ बैग अकाउंटिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस क्लासिफाइंग PO और RMS। जो अकाउंटिंग है जो नया सिस्टम है बैग्स का वो PO और RMS ऑफिस है। सबसे पहले जानते हैं UBO यूनिट बैग ऑफिस के बारे में। एवरी पोस्ट ऑफिस अदर देन ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड EDSO इज आइडेंटिफाइड एज यूनिट बैग ऑफिस। यानी जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होती हैं शाखा डाकघर होते हैं उनको छोड़कर जो हर ऑफिस है उनको EDSO के रूप में या यूनिट बैग ऑफिस के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। दिस ऑफिस इज गिवेन अ मिनिमम और मैक्सिमम बैग बैलेंस वंस इन अ ईयर बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस कंसर्न प्रेफरली ऑन 1st July। यानी ये जो ऑफिस है वो मैक्सिमम मिनिमम बैग का जो बैलेंस है साल में एक बार जो सुपरिटेंडेंट होते हैं SP होते हैं रिलेटिवली उनको 1 July को ये देते हैं। ईच ऑफिस विल मेंटेन अ डे बैग बुक एंड सबमिट अ डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट टू इट्स डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। यानी जो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस होती है वहाँ पर इनको अपनी रिपोर्ट देनी होती है और ये जो डेली जो बैग्स आते हैं उनको बताते हैं कि इतना बैग में डेली का बैग बैलेंस इतना है।
दूसरे नंबर की डेफिनेशन है वो है डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस DBO, एवरी HRO और SRO इन RMS इज आइडेंटिफाइड एज अ डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस, यानी जो RMS में HRO है या SRO है उनको डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है या उनके रूप में भी जाना जाता है। दिस ऑफिस विल मेंटेन बैग अकाउंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बैग कैटेगरी वाइज, नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ बैग रिसीव्ड एंड डिस्पैच बाई सॉर्टिंग ऑफिस एंड TMOs अटैच्ड टू देम बट आल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ द UBO अटैच्ड टू देम, यानी इनका जो काम है सिर्फ इनका यही काम नहीं है कि जितने बैग रिसीव हुए हैं या डिस्पैच हुए हैं इनकी रिपोर्ट तैयार करना या करना, इनका काम यह भी है कि जो सॉर्टिंग ऑफिस और TMOs में जो UBO अटैच हैं उनको भी इनकी जानकारी देनी होती है। द एक्सेप्शनल केसेस हेड ऑफिस कैन आल्सो फंक्शन एज DBO, यानी जो कई एक्सेप्शनल केस हैं यानी अपवाद वाले केस हैं उनमें जो हेड पोस्ट ऑफिस होती है वो भी डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस के रूप में भी काम करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सर्किल बैक ऑफिस की CBO की, द पोस्टल स्टोर्स डिपोर्ट सिचुएटेड एट द हेड क्वार्टर ऑफ द पोस्टल सर्किल इज आइडेंटिफाइड एज सर्किल बैक ऑफिस, जो पोस्टल स्टोर्स होती हैं डिपोर्ट्स होती हैं जो कि कहाँ पर सिचुएटेड हैं पोस्टल सर्किल के मुख्यालय पर स्थित हैं उन्हें सर्किल बैग ऑफिस कहते हैं। दिस ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ DBOs एंड UBOs एंड वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस, इनका जो काम है इनका काम है जो इंस्पेक्शन करना है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस है या यूनिट बैग ऑफिस है उनका इंस्पेक्शन करना है, मुआयना करना है और मुआयने में देखते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ द बैलेंसेस के जो बैग के बैलेंसेस हैं वो कैसे हैं, इस चीज़ का इंस्पेक्शन करने का काम है वो सर्कल बैग ऑफिस का होता है। दिस ऑफिस इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बैग्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग रिपेयर एंड ऑक्शन ऑफ बैग्स, यानी इस ऑफिस का काम यह भी है कि जो बैग का डिस्ट्रीब्यूशन है या बंटवारा है या रिपेयरिंग है अगर बैग टूट फूट जाते हैं या फट जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं तो उनकी बोली वगैरह लगाने काम भी सर्किल बैग ऑफिस का भी ही है। अगली डेफिनेशन है सेंट्रल बैग ऑफिस, डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टर वर्क्स एज सेंट्रल बैग ऑफिस, जो डी सेक्शन है पोस्टल डायरेक्टरेट का वो सेंट्रल बैग ऑफिस के रूप में काम करता है। दिस डज नॉट डील विद एनी बैग्स बट ओनली डील्स विद द करस्पॉन्डिंग रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैग, ये बैगों के बारे में डील नहीं करते हैं लेकिन इनका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित ही है। 19वीं डेफिनेशन है सॉर्टिंग असिस्टेंट की, द टर्म सॉर्टिंग असिस्टेंट इज यूज टू डिजाइनेटेड ऑल ऑफिसर्स इन RMS रेलवे मेल सर्विस अदर देन सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स मेल गार्ड एंड क्लास 4 सर्वेंट, यानी सॉर्टिंग असिस्टेंट या ऐसे वो सभी लोग हैं RMS में जो काम करते हैं वो सभी लोगों को सॉर्टिंग असिस्टेंट कहा जाता है, जिनमें सुपरवाइजिंग ऑफिसर मेल गार्ड और क्लास 4th के जो 4th क्लास के जो सर्वेंट होते हैं इनको छोड़कर जितने भी जो भी लोग ऑफिशियल्स हैं उनको सॉर्टिंग असिस्टेंट या ऐसे कहा जाता है। अगली डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 20 सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट, अ सॉर्टिंग असिस्टेंट हु वर्क्स विद अ सॉर्टिंग ऑफिस ओवर ओनली अ पोर्शन ऑफ इट्स वर्किंग आवर्स टू असिस्ट द सेट वेयर द वर्क इज हैवी इज कॉल्ड सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट। सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट वो एक सॉर्टिंग असिस्टेंट है जो काम करता है सॉर्टिंग ऑफिस में ओवर ओनली अ पोर्शन ऑफ इट्स वर्किंग आवर्स टू असिस्ट टू सेट वेयर द वर्क इज हैवी, जहाँ भी काम ज़्यादा है वो एक असिस्टेंट के रूप में वहाँ पर काम करते हैं उन्हें सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट कहा जाते हैं, ये भी एक तरीके के सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं। अगली डेफिनेशन है सेट ऑफ सेंक्शन की, सेट ऑफ सेक्शंस क्या है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RMS सॉर्टिंग असिस्टेंट विच वर्क्स टुगेदर थ्रू आउट द बीट ऑफ द सेम सेक्शन इन बोथ डायरेक्शंस इज टर्म एज अ सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन, यानी सेट ऑफ सेक्शन में कौन आते हैं कि RMS में जो सॉर्टिंग असिस्टेंट्स हैं जो एक साथ में काम करते हैं सेम सेक्शन में काम करते हैं दोनों डायरेक्शंस में उनको पर्टिकुलर सेक्शन का सेट कहा जाता है। सेट्स आर नंबर सीरियली एंड डिजाइनेटेड बाय देयर सीरियल नंबर
प्रेसिडेंट बाई द नेम ऑफ द सेक्शंस, यानी इनका जो नंबर है वो सीरियली होता है, जैसे ए 26 सेट नंबर 4 डिनोट द फोर्थ सेट ऑफ द ए 26 सेक्शन, यानी अगर किसी को लिखा हुआ है कि ए 26 सेट नंबर 4 तो वो सेट नंबर 4 का ए 26 बार सेक्शन है। ईच सेट ऑफ द सेम सेक्शन हैज़ द सेम वर्किंग आवर सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल एंड द सेम मेल एक्शंस अरेंजमेंट, यानी जो सेट ऑफ सेक्शंस का जो अगर सेट है उसमें सभी लोगों का वर्किंग आवर भी सेम होगा, उसमें जो ऑफिशियल्स हैं काम करने वाले लोग हैं वो भी सेम ही होते हैं और वो सेम मेल एक्शंस अरेंजमेंट का भी काम करते हैं। द नंबर ऑफ सेट ऑफ अ सेक्शन आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वीकली वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स उनके वीकली अरेंज किए जाते हैं। अगली डेफिनेशन है सेट ऑफ अ मेल ऑफिस, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RMS सॉर्टिंग असिस्टेंट विच इज ऑन ड्यूटी एट द सेम टाइम इन मेल ऑफिस इज टर्म्ड एज सेट, यानी RMS में जितने भी ऐसे हैं और वो एक ही समय पर काम करते हैं एक ही मेल ऑफिस में, उनके सेट को सेट ऑफ अ मेल ऑफिस कहा जाता है। द सेट ऑफ मेल ऑफिस आर नंबर्ड इन अ कंसेक्यूटिव सीरीज सेट नंबर ए कमेंसिंग एट और इमीडिएटली आफ्टर 0:10 नागपुर RMS बटे एक डिनोट्स द फर्स्ट सेट ऑफ नागपुर RMS वर्किंग इन द मॉर्निंग, यानी अगर किसी को नागपुर RMS नंबर एक दिया हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है RMS नंबर एक, तो इसका मतलब ये है कि वो नागपुर RMS में काम करता है और उसका जो काम करने का समय है वो है मॉर्निंग का टाइम। अनलाइक द सेट ऑफ अ सेक्शन ई सेट ऑफ अ मेल ऑफिस हैज़ डिफरेंट वर्किंग आवर डिफरेंट मेल एंड सॉर्टिंग पैटर्न, यानी हर सेट का अलग अलग टाइमिंग होता है, अलग अलग उनका मेल एंड सॉर्टिंग का पैटर्न होता है। द स्ट्रेंथ में आल्सो वेरी डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द वर्क, इन केस ऑफ द सेट ऑफ द मेल ऑफिस वर्किंग ऑन अल्टरनेट नाइट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एंड द सेम मेल ऑफिस मेल एंड सॉर्टिंग पैटर्न, द बर्ड बैच ए एंड बैच बी सेल बी यूज इन एडिशन टू यूजुअल कंसेक्यूटिव नंबर्स, जैसे अगर किसी को नंबर दिया हुआ है नागपुर RMS सेट नंबर 3 बैच ए, इसका मतलब ये है कि वो बैच ए है वो एक नाइट में काम करेगा, सेट नंबर 3 होगा उनका और वो नागपुर RMS में काम कर रहे हैं, अगर किसी को बैच नंबर बी दिया हुआ है तो वो अगले दिन नाइट में काम करेगा, अल्टरनेट में काम करते हैं, बैच नंबर ए एंड बी विल बी वर्किंग ऑन अल्टरनेटिंग नाइट। नोट लगाने वाली बात क्या है, सपेक्स लाइफ पार्सल PSO रजिस्टर्ड पैकेट TMO एटसेट्रा मे बी यूज टू डिनोट द सॉर्टिंग ऑफिस विद पर्टिकुलर फंक्शंस एंड सेपरेट सीरियल्स मे बी यूज फॉर नंबरिंग सेट्स ऑफ सच सॉर्टिंग ऑफिस ए चेन्नई सॉर्टिंग पार्सल सेट नंबर 2 बेंगलोर सिटी TMO सेट नंबर 1 एंड बेंगलोर सिटी TMO सेट नंबर 2, यानी जो सफिक्स हैं जो पीछे लगाया गया है किसी के, जैसे कोई चेन्नई में सॉर्टिंग पार्सल है और वो सेट नंबर 2 को करना है तो उनको कहेंगे सॉर्टिंग पार्सल सेट नंबर 2, इस तरीके से उनके पीछे सफिक्स लगाए जाते हैं। अगली डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 22 ट्रिप। ट्रिप क्या है, अ जर्नी परफॉर्म्ड बाय अ सेट ऑफ अ सैंक्शन ट्रैवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स बीच टू द अदर इज कॉल्ड अ ट्रिप। ट्रिप का मतलब है ये एक यात्रा या एक जर्नी जो किसी सेट ऑफ सैंक्शन के द्वारा सेक्शन का जो भी सेट है जो कि ऑन ड्यूटी ट्रेवल कर रहा है एक बीट से दूसरे में, उसे ट्रिप कहा जाता है। द ट्रिप फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेट टुवार्ड्स इट्स आउट स्टेशन इज कॉल्ड द आउट ट्रिप वाइल द दैट टुवार्ड्स इट्स हेडक्वार्टर इज कॉल्ड द इन ट्रिप। अगर किसी हेडक्वार्टर से अगर कोई सेट दूर जाता है या सेट टुवार्ड्स इट्स आउट तो उसे आउट स्टेशन की तरफ जाता है तो उसे आउट ट्रिप कहते हैं, अगर कोई हेडक्वार्टर की तरफ आता है तो उसे इन ट्रिप कहा जाता है। अगली डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 23 स्टेशन एंड सॉर्टिंग आर्टिकल्स। स्टेशंस आर्टिकल्स आर आर्टिकल इंटेंड फॉर द डिलीवरी फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू वेस दे आर सेंट बट अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल इंटेंडेड फॉर डिलीवरी फ्रॉम सर्वेंट ब्रांच ऑफिस आर when sent to the head office or sub office treated as station article for the head office or sub office as the case may be।
अगली डेफिनेशन में है स्टेशन और सॉर्टिंग का। स्टेशन आर्टिकल्स कौन से आर्टिकल होते हैं? स्टेशन आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जो कि डिलीवरी के लिए भेजे जाते हैं पोस्ट ऑफिस से, जो कि अनपेड और अधूरे तरीके से पेड इनसफिशेंटली पेड आर्टिकल्स होते हैं जो डिलीवरी किए जाते हैं सब ऑफिस से या ब्रांच ऑफिस से, और उनको कहाँ भेजा जाता है? हेड ऑफिस या सब ऑफिस, यानी किसी सब ऑफिस से भेज रहे हैं तो हेड ऑफिस भेजते हैं, या ब्रांच ऑफिस से भेजा है तो सब ऑफिस के लिए भेजा हुआ है, उनको ट्रीट करते हैं स्टेशन आर्टिकल्स के लिए और द हेड ऑफिस और द सब ऑफिस। सॉर्टिंग आर्टिकल्स आर आर्टिकल्स दैट आर टू बी सॉर्टेड बाई द पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस टू विच दे आर सेंट एंड फॉरवर्डेड देम्स टू ऑफिस ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन और द अदर सॉर्टिंग ऑफिस। सॉर्टिंग आर्टिकल्स का उन आर्टिकल्स को कहते हैं जो कि किसी पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस के लिए सॉर्ट किए जाते हैं या वहाँ के लिए भेजे जाते हैं या फॉरवर्ड किए जाते हैं किसी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए या फिर अदर सॉर्टिंग ऑफिस के लिए भेजे जाते हैं, उन्हें सॉर्टिंग आर्टिकल्स कहा जाता है।